बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट सुमित फरीद खान और कहां से जी हां ओशन टीवी की जानिब से। आज जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं तो जॉगिंग करने निकला था और सिटी आर्ट गैलरी मेरे सामने आ गई, मैं अंदर घुस गया। अंदर घुस के जो देखा तो यहाँ पर तो सुमित आप भी साथ थे और उनके साथ साथ जी हाँ उनके साथ साथ पाकिस्तान के वेल नोन फिगर जिनका मैं भी फैन हूँ, स्क्रप्चर यानी मुजस्मा साज, पाकिस्तान का एक प्यारा सा नाम, खूबसूरत नाम, जिन्होंने पाकिस्तान को उजागर करवाया अपनी मुजस्मा साजी से कि दुनिया के बड़े बड़े लोग हैरान रह गए कि यार पाकिस्तान में इतना टैलेंट, इतने जीनियस लोग हैं यहाँ पर। तो नो डाउट जब मैं सिटी गैलरी के अंदर आया और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और स्क्रप्चर हैं पाकिस्तान के वेल नोन, तो मिलने या नहीं, नींद आ रही है यार बहुत से जी हाँ, तो हमारे दरमियान यहाँ पर आज मौजूद हैं हमारे स्क्रप्चर लेजेंड आर्टिस्ट मंसूर जुबेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है सर? कैसे हैं सर? ठीक ठाक। मंसूर जुबेरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चाहे हमारे पाकिस्तान के जितने भी आर्ट काउंसिल्स हैं या जितनी भी ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और पाकिस्तान के अवार्ड याफ्ता स्क्रप्चर हैं ये। और आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि इतने लेजेंड के साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। सर सर कैसे हैं आप? नहीं, मुझे तो मुझे भी बहुत खुशी है और आपका अंदाज तो मजाक खुदा, आप एक नंबर आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सर। उसी हिसाब से आप मिल रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है, खुशी हो रही है। थैंक यू सर। आपसे मुझे कि आप इस अंदाज में तारुफ कराते हैं। थैंक यू सर। सर ये आपका बड़प्पन है सिटी आर्ट गैलरी के हवाले से, माशाल्लाह से ये आपने आयशा मंजिल के ऊपर नसीराबाद के करीब इस्लामिक रिसर्च सेंटर के अंदर इसका यहाँ पर ये सिटी आर्ट गैलरी का एक पोर्शन यहाँ पे बना दिया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जैसे कि आपने फरमाया कि आतिफ अली साहब यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं और इफ्तिखार शलवानी साहब तो है ही, खैर वो तो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़े हैं, और उसके अलावा जो है हमने उनका तारुफ करवाया खुर्शीद साहब, खुर्शीद शाह साहब का, कि जो कि सीनियर डिप्टी सीनियर डायरेक्टर कल्चरल हैं। तो ये तमाम हम कल्चरल के हवाले से मुझे बहुत अच्छी बात, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो हमारे खुर्शीद शाह साहब हैं, बहुत अच्छा लगा। सर ये आपने यहाँ पर अब एक सिलसिला स्टार्ट कर लिया है, तो आप कोई मैसेज या कोई कराची के लोगों को ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन्स, हमारी ओल्ड जनरेशन्स यहाँ पर आकर बैठे और आप लोगों से फनून लतीफ़ा के हवाले से कुछ सीखें और हम भी सीखें और आप कुछ सिखाएं? जी हाँ बिल्कुल, ना सिर्फ कराची बल्कि अंदरून सिंध से भी हमने उनके लिए कल्चरल शो के जो जो फनकार हैं वहाँ के वो आए थे। मैं बाहर कोऑर्डिनेटर यहाँ पर, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि जो हैंडमेड काम कर रहे हैं नई जनरेशन है हमारी, उनके लिए जगह है, वो अपना काम डिस्प्ले करें, यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठे, उन्होंने लतीफ़ा का एक माहौल मुकम्मल तौर पर उनको मिले, और जिसमें एग्जीबिशन है, कल्चरल शो है जी, कव्वाली है, म्यूज़िक प्रोग्राम है, जो जो भी फनून लतीफ़ा के जुमरे में आते हैं जी, तो हम अपने हुदूद के अंदर रहते हैं। ओके ओके। सर आपने कितने मुजस्मे बनाए होंगे? मुजस्मे तो ज़्यादा तादाद बनाए, कितने सर को याद होगा कुछ ऐसा कि कुछ इतने बना दिए मैंने? बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर किए हैं जी, मैंने देखे सर आपके फेसबुक के हवाले, उसके अलावा भी देखे सर मैंने। मेरा ख्याल है कि अब तादाद तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुजस्मा साजी जी सर बहुत मुश्किल काम, उसमें वो काफ़ी वक्त लेती है, उसमें काफ़ी वक्त लेता है, तो अब तो ये जो उनकी तादाद अगर कहें आप जी सर, छोटे बड़े मिला के जी सर, सर छोटे दो ढाई हज़ार, ओ माय गॉड, बड़े स्कल्पचर में जो बड़े आदम स्कल्पचर वो 150 से ज़्यादा, ओ माय गुडनेस। जब आप यहाँ जाते हैं हॉक्स में जी सर, 28 फीट की एक फिश लगी हुई है जी जी जी, वो भी मेरी बनाई, वो भी आपके, देखा व्यूअर्स जब आप हॉक्स में जाते हैं तो 28 फुट की एक
फिश बनी हुई है, वो भी हमारे मंसूर जुबैरी साहब का कारनामा है। और एक वो साइक्लिस्ट, माय गॉड, व्हाट अ लेजेंड। और एक साइक्लिस्ट है, क्योंकि वो साइकिल रेस जो है, यस सर, उसके वो ज्यादातर जो भिड़सा है खेलों के हिसाब से, जी सर, तो ये जो है ये लियारी की तरफ जाता है। अच्छा जी हाँ, वहाँ साइक्लिस्ट जी, बल्कि जब मैं ये बना रहा था तो मैंने मौला बख्श नाम एक साइक्लिस्ट को लिया था, मॉडलिंग करता था। अच्छा, तो वो भी जैसे आप हाउस में एंटर होते तो वो भी आपको साइकिल रेस जो है वो आपको दिखता, तो इस तरीके से फौज में बहुत ठीक है, आपको भी है वो पाकिस्तान आर्मी में ज्यादा ठीक है सर। आप सर आप मुझे लगते भी फौजी हैं। अच्छा, आपका जो स्टाइल है ना सर वो पूरा फौजी है, मुझे घबराहट सी हो रही है जैसे किसी कर्नल साहब के पास बैठा हूँ, मेरी फीलिंग्स नहीं आ रही सर, आप डर सा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, बात ये है ना सुरेन के चूंकि काम इतना किया, अच्छा वालिद भी चूंकि फौज में थे, तो लेकिन मैं तो फनून लतीफा जी और वो ही मेरा वो है। ओके, और उसी तरीके से और बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट आप देखेंगे कि वो लोग फौज में इस चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है, ज्यादा जाती है, और वो इस तरीके से जो अपने जस्पासी का उनका वो है कर लेते होंगे बात। लेकिन फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे के आतिफ साहब हैं, जो शीशा साहब हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब जी हैं, वो हुआ है ये पहले कमिश्नर करा जी, जी इफ्तिखार शेरवानी साहब जी कर वैसे, और ये शहर को खूबसूरत बनाने में और इसको मतलब एक ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जी ये बड़ा अच्छा उनका जहन, तो वो उसमें अच्छा है कि उनको टीम भी ऐसी मिली है कि अगर वो साथ दें, टीम मिलकर साथ दें। और ये उठेगा जब सुहेल साहब के, अब देखें सुहेल आबदी साहब जी, सुहेल आबदी साहब बेसिकली अंदर से मुकम्मल फनून लतीफा के, बिल्कुल पूरे सुहेल आबदी साहब पूरे फनकार हैं। अच्छा, फिर आप तो खुद फनकार हैं, फनून लतीफा से ये सब फनून लतीफा ही के लोग हैं, तो हम तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब या मुफ्ती साहब या आफिफ साहब, हम तो इसको वो कर रहे हैं, लेकिन ये रौनक है तो आप लोगों के आने से बड़े। अरे नहीं सर, आप लोग, आप लोगों को सर हमने देख देख के सीखा है बहुत कुछ। अगर आप लोग ना होते तो हम क्या है, हम वी आर नथिंग, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर, अगर आप लोग ना हो तो वी आर नथिंग, सर ये आपकी जबरदस्त नवाजी है सर। देखिए यहाँ बैठने की जगह है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करने की जगह है, इसको आबाद तो आप लोग हमारी बहुत अच्छी बात करी मंसूर जुबैरी साहब ने कि सिटी आर्ट गैलरी जहाँ पे आज हम मौजूद हैं इसको आबाद कौन करेगा, इसको आबाद फनकार करेंगे। आप सब लोग आइए, आपको कैलीग्राफी सीखनी है, आपको स्कल्पचर सीखना है यानी कि मुजस्मा साजी सीखनी है, आपको फनून लतीफा से रिलेटेड म्यूजिक सीखना, म्यूजिक सीखना है, कोई भी चीज सीखनी है, हैंडीक्राफ्ट सीखनी है, हैंडीक्राफ्ट सीखनी है, क्योंकि ये वो सकाफत का जो हमारी सकाफत है उसके अलावा भी, हम उसके आप सिटी आर्ट गैलरी आना मत भूलिएगा भाई साहब, आते रहिएगा, सीखते रहिएगा, ले आते रहिएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर, ठीक ठाक? बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ आज हमने ये छोटा सा इंटरव्यू लिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत कम अंदाज ऐसे जैसे आप करते हैं इंटरव्यू लेते हैं, जी सर, इतनी उसमें इंटरव्यू में एक तो जान पड़ जाती है, थैंक यू, ऐसा नहीं लगता कि कोई मतलब एक रटा रटा ही कोई, आप बड़े मजेदार बात है कि आप फिल्मपति हर बात कर, मेरा सर एक स्टाइल है बस, वो बड़ा अल्लाह स्टाइल है जो है वो मेरी पब्लिक मुझे पसंद कर ले, फनकार तो हम बहुत पुराने हैं, नहीं क्यों नहीं करें, किनारे से लेकर चले आए, बहुत सारी मिमिक्रीज करी, औरत हिजड़ा सब बन गया मीडिया के ऊपर, अब नए स्टाइल के तस्वीर फरीद खान आ रहेंगे और वो होस्ट तो मेरा आ चुके हैं जी, हाँ जी हाँ सर, थैंक यू सर, आपकी दुआओं के तलबगार है मेरी एंटायर टीम जितनी भी है, औरंगजेब साहब,
अच्छा, हमारे फाइज जावेद साहब, हमारे शमसुद्दीन साहब, ये सब फुनून लतीफा के तो लोग हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोग हैं। हमारे ओशन टीवी के लिए बस दुआ कीजिएगा कि हम, अरे इंशाल्लाह ओशन टीवी अगर यही टीम रही तो मैं तो समझता हूँ कि कहाँ से कहाँ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है खवातीन और साहब, थैंक यू वेरी मच। सुहेल फरीद खान को इजाजत दीजिए, फिर किसी जगह के ऊपर दोबारा से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।